आज जानेंगे उस महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली के बारे में, जिनके मरने के 350 साल बाद तक भी उन पर बैन लगा रहा। अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीवन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट भी जिसे अपना आदर्श मानते थे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, आप गैलीलियो के बारे में 30 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। नंबर 30, 18 फरवरी 1564 को इटली के महान पेंटर और कवि मिकलांजलो की डेथ हुई थी, और इससे ठीक 3 दिन पहले 15 फरवरी 1564 को इटली के महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली का जन्म हुआ था। नंबर 29, जिस साल गैलीलियो की डेथ हुई थी उसी साल सर आइजक न्यूटन का जन्म हुआ था। दोनों ने फिजिक्स को स्टडी किया। न्यूटन ने गैलीलियो द्वारा फिजिक्स में किए गए काम को आगे बढ़ाया, और इसीलिए कुछ लोग न्यूटन को गैलीलियो का पुनर्जन्म भी कहते हैं। नंबर 28, मिकलांजलो, निकोलो मैकियावेली, फोस्कोलो, रोसिनी और गैलीलियो गैलीली, इटली की इन सभी महान हस्तियों को एक ही चर्च में दफनाया गया है। इटली के फ्लोरेंस शहर के बेसिलिका ऑफ सेंटा क्रोसी चर्च में इन सभी की कब्र है, इसीलिए इस चर्च को टेम्पल ऑफ इटालियन ग्लोरीज भी कहा जाता है। नंबर 27, एरिस्टोटल का कहना था कि अगर दो चीज़ों को ऊंचाई से एक साथ नीचे छोड़ा जाए तो उन दोनों में से जो भारी चीज़ होगी वो हल्की से पहले ज़मीन पर गिरेगी। गैलीलियो एरिस्टोटल की इस बात को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि भारी और हल्की दोनों चीज़ें एक साथ ज़मीन पर आती हैं। इसको साबित करने के लिए गैलीलियो ने पीसा की मीनार पर खड़े होकर दो हल्की भारी चीज़ों को एक साथ नीचे छोड़ा था, और दोनों एक साथ ज़मीन पर गिरी थी। अब कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ऐसा करने की गैलीलियो ने सोची थी, ऐसा उन्होंने किया नहीं था। लेकिन गैलीलियो के टाइम के कुछ राइटर्स जिन्होंने गैलीलियो पर लिखा था, उन्होंने इस कहानी का जिक्र किया है। नंबर 26, स्टीवन हॉकिंग ने कहा था कि मॉडर्न साइंस के जन्म के लिए सबसे ज़्यादा योगदान गैलीलियो का है। वहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहकर संबोधित किया था। नंबर 25, गैलीलियो गैलीली एक एस्ट्रोनॉमर, इंजीनियर, फिजिसिस्ट, फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे। गैलीलियो को फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड और फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है। नंबर 24, गैलीलियो और उनकी फैमिली का सरनेम पहले गैलीली नहीं था। 14th सेंचुरी में गैलीलियो के एक एंसेस्टर हुए थे जिनका नाम गैलीलियो बोनेयूटी था। ये एक फिजिशियन थे, एक यूनिवर्सिटी टीचर थे और पॉलिटिशियन थे। इनके ऑनर में 14th सेंचुरी के आखिर में इनकी फैमिली ने अपना सरनेम बदलकर बोनेयूटी से गैलीली कर लिया था। सो गैलीलियो बोनेयूटी के फर्स्ट नेम पर ही आगे चलकर उनकी फैमिली का सरनेम गैलीली बना। नंबर 23, अब आप सोच रहे होंगे कि गैलीलियो गैलीली का जो फर्स्ट नेम है वो उनके पूर्वज गैलीलियो बोनेयूटी के नाम पर रखा गया है। नहीं, दरअसल मिड 16th सेंचुरी तक इटली की टस्कन फैमिलीज में यह परंपरा थी कि वो अपने सबसे बड़े बेटे का नाम अपने सरनेम पर रख देते थे, इसलिए सरनेम गैलीली से ही साइंटिस्ट का नाम गैलीलियो पड़ा है। नंबर 22, गैलीलियो ने शादी नहीं की, लेकिन वो वेनिस शहर की एक सुंदर औरत मरीना गांबा के काफ़ी करीब थे, और मरीना के साथ उनके 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का। नंबर 21, गैलीलियो एक धार्मिक इंसान थे, वो पक्के कैथलिक ईसाई थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने 3 बच्चों की मदर से कभी शादी नहीं की। ये धर्म के खिलाफ था। गैलीलियो ने शादी क्यों नहीं की, इस बारे में अमेरिका की एक राइटर दावा सोबल अपनी बुक गैलीलियोज डॉटर में लिखती हैं कि उन दिनों शादी ना करना स्कॉलर्स में एक ट्रेडिशन था, जैसे रेनेसेंस के कई बड़े दिग्गजों मिकलांजलो, लियोनार्डो दा विंची और निकोलस कोपरनिकस ने भी शादी नहीं की थी। नंबर 20, क्योंकि गैलीलियो की डॉटर्स बगैर शादी के जन्मी थी, इसलिए गैलीलियो मानते थे कि उनकी शादी नहीं की जा सकती, और वो सोचते थे कि अगर शादी करनी भी पड़ी तो उनको भारी दहेज देना पड़ेगा। गैलीलियो की इनकम इतनी नहीं थी कि वो इतना दहेज उठा पाएं। आखिर में गैलीलियो ने डिसाइड किया कि उनकी बेटियों के लिए धार्मिक जीवन बिताना ही सही रहेगा।
और उसने अपनी दोनों बेटियों को कॉन्वेंट में भेज दिया जहां उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बिताई। नंबर 19। आमतौर पर यह माना जाता है कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, लेकिन यह सच नहीं है। होलैंड के एक शख्स थे जिनका नाम हैंस लीपर्शे था। ये आई ग्लासेस बनाने का काम करते थे। इनको ही टेलीस्कोप की इन्वेंशन के लिए क्रेडिट दिया जाता है। सन 1608 में लीपर्शे ने अपने टेलीस्कोप की इन्वेंशन को पैटेंट करवाने के लिए एप्लीकेशन दी, लेकिन हॉलैंड सरकार ने सोचा कि टेलीस्कोप जैसी इन्वेंशन को कॉपी करना बेहद आसान है, क्योंकि लीपर्शे द्वारा दी गई एप्लीकेशन के कुछ ही दिनों बाद हॉलैंड के एक और इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले शख्स ने उसी डिवाइस को पैटेंट करवाने की कोशिश की। दोनों में से किसी के भी पैटेंट को ग्रांटेड नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि लीपर्शे की एप्लीकेशन सबसे पहली थी, इसीलिए उन्हीं को इन्वेंशन के लिए क्रेडिट दिया जाता है। नंबर 18। 1609 में गैलीलियो को टेलीस्कोप के आविष्कार के बारे में पता चला और उन्होंने खुद का टेलीस्कोप बना लिया। उन्होंने पहले वाले टेलीस्कोप के कंपेयर में एक बेटर वर्जन बनाया, उसमें काफी सुधार करते हुए। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार तो नहीं किया, लेकिन हाँ, वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पहली बार किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल आसमानी चीजों को स्टडी करने के लिए किया था। नंबर 17। गैलीलियो के जमाने में ये आम विश्वास था कि चांद का सरफेस स्मूथ होता है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप से ये पता लगाया कि चांद की सतह स्मूथ नहीं है, बल्कि उस पर गड्ढे और पहाड़ हैं, और इस तरह गैलीलियो ने पुरानी मान्यताओं को उखाड़ फेंका। नंबर 16। 13 मार्च 1610 को गैलीलियो ने द स्टारी मैसेंजर नाम से एक पुस्तिका को पब्लिश किया। यह हिस्ट्री का पहला साइंटिफिक वर्क था जिसमें टेलीस्कोप द्वारा की गई ऑब्जर्वेशंस को दिखाया गया था। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये गैलीलियो द्वारा बनाए गए चांद के स्केचेस हैं। इनको गैलीलियो ने टेलीस्कोप से देखकर बनाया था। नंबर 15। इटली के फ्लोरेंस में इंस्टीट्यूटो ई म्यूजियो दी स्टोरिया डेला शियेंजा नाम से एक म्यूजियम था। 10 जून 2010 को गैलीलियो के ओनर में इस म्यूजियम का नाम बदलकर म्यूजियो गैलीलियो कर दिया गया। नंबर 14। गैलीलियो को हुए 400 साल बीत जाने के बाद आज भी गैलीलियो का टेलीस्कोप बचा हुआ है। ये फ्लोरेंस के म्यूजियो गैलीलियो में रखा है। म्यूजियम में गैलीलियो द्वारा बनाए गए दो टेलीस्कोप और ऑब्जेक्टिव लेंस रखे हैं। इन्हीं से गैलीलियो ने जुपिटर प्लैनेट के 4 चंद्रमाओं को खोजा था। नंबर 13। गैलीलियो ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में पाया कि निकोलस कोपरनिकस सही थे। निकोलस कोपरनिकस गैलीलियो से पहले 15th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि यूनिवर्स का सेंटर सूर्य है और पृथ्वी सहित सारे प्लैनेट्स सूर्य का चक्कर लगाते हैं। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस की इस थियोरी को सपोर्ट किया। इससे पहले लोग यही मानते थे कि पृथ्वी यूनिवर्स का सेंटर है और सूरज सहित सारे प्लैनेट्स पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। उस वक्त के एस्ट्रोनमर्स ने गैलीलियो की इस बात का विरोध किया। 1615 में इस सारे मैटर की रोमन कैथोलिक चर्च ने जांच की। कैथोलिक चर्च ने कोपरनिकस की थ्योरी को बेतुकी कहकर उसे धर्म विरोधी घोषित कर दिया, क्योंकि यह थ्योरी बाइबल में कही गई कुछ बातों का खंडन करते हुए दिख रही थी। नंबर 12। 1632 में गैलीलियो ने एक बुक लिखी थी। इस बुक में गैलीलियो ने अपनी बात को डिफेंड किया। इसके बाद गैलीलियो पर मुकदमा चलाया गया जिसमें उनको धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने के लिए दोषी पाया गया। नंबर 11। दोषी पाए जाने के बाद गैलीलियो को मजबूर किया गया कि वो सभी के सामने अपना बयान वापस लें और कहें कि उनकी थ्योरी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है गलत है। कहा जाता है कि जब गैलीलियो ने अपनी गलती मानी तब वो बेहद दुखी थे। अपना बयान वापस लेने के बाद गैलीलियो ने नीचे देखते हुए ये वाक्य कहा, एंड येट इट मूव्स, और ये अभी भी घूम रही है। नंबर 10। गैलीलियो को पहले तो उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में उनकी सजा को उम्र कैद से हाउस अरेस्ट में बदल दिया गया और कहा गया कि वो अपनी बची हुई सारी जिंदगी अपने घर के अंदर रहकर ही बिताएंगे। नंबर 9। बार्तोलोमे इस्तेवान मूरियो, जो कि एक स्पेनिश पेंटर थे, गैलीलियो के मरने के 2 साल बाद इन्होंने गैलीलियो की एक पेंटिंग बनाई थी।
पेंटिंग में दिखाया गया है कि गैलीलियो जेल के अंदर बैठे हैं, मानो वो किसी गहरी सोच में हों। जब 1911 में इस पेंटिंग को रिस्टोर किया गया तो पता चला कि वो किसी सोच में नहीं बैठे हैं, बल्कि वो एकटक होकर जेल की दीवार पर खुदे शब्दों को देख रहे हैं। दीवार पर लिखा है, एंड येट इट मूव्स, और ये अभी भी घूम रही है। लेकिन इस तस्वीर में इन शब्दों को नहीं देखा जा सकता। नंबर 8, गैलीलियो ने अपने अंतिम साल अपने घर में नजरबंद रहकर बिताए। इस दौरान उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त अपनी बुक लिखने में लगाया, जिसका नाम था टू न्यू साइंसेस। उन पर लगे बैन के चलते वो इटली में तो अपनी बुक को पब्लिश नहीं कर पाए, लेकिन उनकी बुक 1638 में होलैंड में पब्लिश हुई। नंबर 7, हाउस अरेस्ट के दौरान गैलीलियो के कई चाहने वाले उनसे मिलने आते थे। उनसे मिलने आने वाले लोगों में यूरोप की दो बड़ी हस्तियों का नाम भी शुमार है, फिलोसोफर थॉमस होब्स और पोएट जॉन मिल्टन। ये दोनों गैलीलियो के हाउस अरेस्ट के दिनों में उनसे मिलने आए थे। नंबर 6, सन 1638 में गैलीलियो कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे, और इसके ठीक 4 साल बाद 8 जनवरी 1642 को उनकी डेथ हो गई। नंबर 5, गैलीलियो की मृत्यु के बाद टस्कनी शहर के नवाब ने चाहा कि गैलीलियो को फ्लोरेंस के बेसिलिका ऑफ सेंटा क्रोसी चर्च में दफनाया जाए, जहां गैलीलियो के फादर की भी कब्र थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वहां के पोप ने इस बात का विरोध किया, क्योंकि कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो को धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचाने के लिए सजा सुना रखी थी, इसलिए गैलीलियो को चर्च के पास ही कहीं और दफनाया गया। लेकिन गैलीलियो के मरने के करीब एक सेंचुरी बाद 1737 में चर्च के अंदर गैलीलियो की याद में एक स्मारक बनाया गया, और इसी दौरान गैलीलियो के अवशेष को निकालकर चर्च में दफना दिया गया। नंबर 4, गैलीलियो का शव निकालने के बाद उसे फिर से दफनाने से पहले उनके शरीर से उनकी 3 उंगलियां और 1 दांत निकाल लिया गया। इनमें से गैलीलियो की 1 उंगली फ्लोरेंस के म्यूजियम में रखी है। नंबर 3, म्यूजियम में गैलीलियो की उंगली को ऐसे रखा गया है मानो वो रोम की तरफ इशारा कर रही हो, वही रोम जहां गैलीलियो पर मुकदमा चलाया गया था। नंबर 2, 1989 में नासा और जर्मनी की एक टीम ने जुपिटर प्लैनेट और उसके मून्स को स्टडी करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। गैलीलियो गैलीली के सम्मान में स्पेसक्राफ्ट को गैलीलियो नाम दिया गया। नंबर 1, 1992 में यानी गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 350 साल बाद कैथोलिक चर्च के पोप जॉन पॉल ने ये माना कि गैलीलियो सही थे। पोप ने कहा कि गैलीलियो के केस में चर्च से गलती हुई थी, चर्च ने उनके साथ ठीक नहीं किया। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर कर देना, और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।